आज हम आपको टॉप 10 बेस्ट हॉरर मूवीज के बारे में बताएंगे, तो अगर आप एक हॉरर फैन हैं, तो आपको इन्हें एक बार तो जरूर देखना चाहिए। आई एम श्योर आपको ये मूवीज पसंद आने वाली है। तो चलिए बिना समय गवाए आपको अपने टॉप 10 लिस्ट से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सो नंबर 10 पर है एनाबेल कम्स होम। इस कहानी में वार्नर की 10 साल की बेटी जूडी और उसकी बेबीसिटर और बेबीसिटर की फ्रेंड को एनाबेल अपना निशाना बनाती है। इस फिल्म की शुरुआत होती है एनाबेल डॉल से, जिसमें बुरी शक्तियां और एक बुरी शक्ति को काबू करने वाला कपल उसे कब्जे में लेकर अपने घर में कैद कर देता है। और इसकी आगे की कहानी जानने के लिए आपको फिल्म ही देखना होगा। नाउ नंबर 9 पर है इट चैप्टर 2। 2019 में आई ये फिल्म इट चैप्टर 1 की सीक्वल है। इस फिल्म में पेनीवाइज 27 वर्षों के बाद लौट आया है और इस बात की खबर लॉसर्स क्लब को उनके फ्रेंड माइक हेलन के जरिए पता चलता है। तो अब ये लोग अपने वादे को पूरा करने के लिए वापस उस शहर लौटते हैं। तो उस शहर में क्या होगा, वो लोग पेनीवाइज से कैसे लड़ते हैं, ये जानने के लिए तो आपको फिल्म ही देखना होगा। ओके नाउ नंबर 8 पर है अस। ये एक साईफाई हॉरर मूवी है जो कि 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कहानी विल्सन परिवार के ऊपर है जो कि सेंटा क्रूज में छुट्टियां बिताने आए थे। तभी उन पर 4 लोगों के परिवार द्वारा हमला किया जाता है और उन्हें ये लगता है कि उन पर हमला करने वाले लोग उन्हीं के जैसे दिखते हैं। तो अब नंबर 7 पर है बर्ड बॉक्स। इस मूवी को सुसैन बर्न ने डायरेक्ट किया है। इसकी कहानी दरअसल एक घटना के बाद शुरू होती है, जिसमें एक अमेरिकन लेडी खुद को और अपने बच्चों को एक रहस्यमय वायरस से बचाने के लिए आंखों पर पट्टी बांधकर जोखिम भरी यात्राएं करती हैं। इस वायरस के कारण शहर के काफी लोग मारे गए, तो क्या ये फैमिली बच पाएगी, इसके लिए तो आपको फिल्म ही देखना होगा। तो नंबर 6 पर है ब्राइटबर्न। 2019 की ये मूवी सुपर हीरो के एविल रूप को दिखाती है। दरअसल इस मूवी में टोरी और काइल को स्पेसशिप में एक बच्चा ब्रैंडन मिलता है, जिसे वो गोद ले लेते हैं। 12 साल के होने के बाद उस बच्चे को पता चलता है कि उसके पास सुपरनैचुरल पावर्स हैं, पर वो उन पावर्स का यूज बुरे कामों के लिए करने लगता है। बाय द वे ये मूवी हमें सुपरमैन के इविल रूप को दिखाती है, जहाँ सुपरमैन अपने पावर का यूज अच्छे कामों के लिए करता है, वहीं ये ब्राइटबर्न बुरे कामों के लिए करता है। नाउ नंबर 5 पर है वेरोनिका। ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी एक 15 साल की लड़की वेरोनिका की है, जो कि सोलर इक्लिप्स के दौरान अपने फ्रेंड्स के साथ ओझा बोर्ड के जरिए अपने मरे हुए फादर को बुलाती है। और हर फिल्म की तरह इस फिल्म में भी असल आत्मा नहीं आती है, बल्कि एक डीमन आ जाता है। इस फिल्म को नेटफ्लिक्स की तरफ से सबसे डरावनी मूवी भी कहा गया है। तो अब आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 पे है डॉक्टर स्लिप। डॉक्टर स्लिप फेमस मूवी द साइनिंग की सीक्वल है, बट उसके कंपेयर में ये मूवी कुछ भी नहीं है। पर मैं इस मूवी को बेस्ट सीक्वल मूवी मानती हूँ, जो कि द साइनिंग की स्टोरी को कंटिन्यू करता है, जहाँ डेनी टोरेंस अपने दर्दनाक अतीत को दूर करने के लिए संघर्ष करता है और साथ ही एक छोटी लड़की की मदद भी करता है, जिसके पास डेनी की तरह ही साइनिंग की पावर थी। तो क्या हम इस फिल्म को भी द साइनिंग की तरह ही एंजॉय कर पाते हैं या नहीं, ये तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। नाउ नंबर 3 पर है हस। ये मूवी एक राइटर की कहानी को दिखाता है, जिनकी सुनने की एबिलिटी काफी कम होती है। ये राइटर एक ऐसी हॉरर स्टोरी लिखना चाहती है जिसकी अर्निंग काफी अच्छी हो, और इसी मूवी के एंड में इन्हें अपनी स्टोरी मिल भी जाती है, पर अपनी ही लाइफ में घटी एक घटना से। दरअसल एक दिन इनके घर में एक मास्क किलर आता है और राइटर यहाँ मास्क किलर से बचने के लिए संघर्ष करती, तो क्या वो बच पाएगी, इसको जानने के लिए तो आपको हस मूवी ही देखना होगा। तो अब नंबर 2 पे है द कॉल। ये एक कोरियन टाइम ट्रेवल बेस्ड हॉरर मूवी है। इस फिल्म की कहानी का पूरा फोकस फिल्म की 2 लीड कैरेक्टर्स पर किया गया है, जिनमें से एक का नाम है सो यांग, जो कि प्रेजेंट टाइम की है, यानी कि साल 2019 की है, और दूसरी है योंग सुक, जो कि टाइमलाइन के अनुसार 1999 की है। ये दोनों आपस में एक फोन के जरिए बातें करते हैं। अब इस बातचीत में इन दोनों के साथ क्या क्या होता है, यही इस फिल्म का मेन फोकस है। इसे जानने के लिए आपको ये फिल्म ही देखना होगा, जो कि नेटफ्लिक्स पे हिंदी में भी मौजूद है। सो लास्ट नंबर 1 पर मेरे हिसाब से द बॉय को होना चाहिए। ये कहानी ग्रेटर नाम की यंग अमेरिकन लड़की की है, जिसे एज अ नैनी का जॉब मिला था 8 साल के बच्चे को संभालने के लिए। बट जब ग्रेटा उस हाउस में पहुंची, तब वो चौंक गई, क्योंकि उसे किसी बच्चे को संभालने के लिए नहीं, बल्कि एक डॉल को संभालने के लिए बुलाया गया था। दरअसल उस हाउस के कपल का बेटा 20 साल पहले ही गुजर चुका था, बट इन लोगों को लगता है कि ये डॉल ही उनका बेटा है। इसके बाद वो लोग ग्रेटा को डॉल की जिम्मेदारी देकर वहां से चले जाते हैं, बट आफ्टर सम टाइम कुछ डिस्टर्बिंग और अनएक्सेप्टेबल इवेंट्स होने लगते हैं, जिससे ग्रेटा को ये लगने लगता है कि डॉल अलाइव है। लेकिन फिल्म के लास्ट में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, जो कि आपको फिल्म देखने पर ही पता चलने वाला है। तो इसी के साथ तो आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम अगला वीडियो बहुत जल्द लाने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू।